हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। भूगोल का प्रश्न हम देख रहे थे कल, करीब 30 प्रश्न हम देखे भी थे उसमें, उसके आगे आज हम देखेंगे। ठीक है, तो भैया क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और वीडियो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण इसलिए है कि आपके पेपर में जो आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं, BPSC 67 है, UPPCS3 है, RO ARO है, APFO है, TGT PGT जैसे पेपर होने वाले, UPP UPSI भी है उसमें आएगा, तो प्रश्न जरूर मिलेंगे आपको। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न पूछा गया था, आप लोगों ने जवाब नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वीडियो को अगर आप लोगों ने मन से देखा, चैनल को सब्सक्राइब किया, तो हमारी मेहनत वहां पर सफल होगी। और सफल हमारी मेहनत तब मानी जाएगी कि जब उस वीडियो से या उस कंटेंट से आप अपना बेनिफिट, मतलब अपना लाभ उठा पाए। ठीक है, लाभ कैसा, कि एग्जाम में आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाए। तो चलिए आज की वीडियो देखते हैं, आज के क्वेश्चंस हैं। पहला प्रश्न है भैया कि किसी शहर से संबंधित 3 कथन स्टेटमेंट दिए गए हैं ऊपर, विचार करके बताना कि वो स्टेटमेंट किस शहर के बारे में है। तो पहला स्टेटमेंट है कि यह स्कॉटलैंड स्थित सर्वाधिक आबादी वाला शहर है। पहला स्टेटमेंट है स्कॉटलैंड स्थित सर्वाधिक आबादी वाला शहर है। इसे ग्रेनाइट सिटी, याद रखना, ग्रेनाइट सिटी, सिल्वर सिटी, एनर्जी कैपिटल ऑफ यूरोप, एनर्जी कैपिटल ऑफ यूरोप, ग्रेनाइट सिटी, सिल्वर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है डी तथा डोन यहाँ की प्रसिद्ध नदियाँ भी हैं। डी तथा डोन प्रसिद्ध नदियाँ हैं, ग्रेनाइट सिटी, सिल्वर सिटी, एनर्जी कैपिटल ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। तो यह कथन जो है किस शहर के बारे में है, तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं मौजूद, चारों के ऑप्शन देख लेते भाई क्या है ऑप्शंस। ऑप्शन हमारे पास जो है वो ये है, एवरडीन, ग्लासगो, एडिनबर्ग, स्टर्लिंग। तो यह जो स्टेटमेंट है वह एबरडीन के बारे में सही है, उपरोक्त कथन एबरडीन की व्याख्या करता है। चलिए इसके बारे में देखते हैं, उपरोक्त विशेषताएं स्कॉटलैंड के एबरडीन शहर से संबंधित है। यह स्कॉटलैंड की स्थित सर्वाधिक आबादी वाला शहर, ग्रेनाइट सिटी, सिल्वर सिटी, एनर्जी कैपिटल ऑफ यूरोप कहा जाता है। डी तथा डोन यहाँ की प्रसिद्ध नदियां हैं, तो एबरडीन के बारे में बात थी, याद रखना इसको। दूसरा प्रश्न है, अब यहाँ पे विचार करना कौन सा सुमेल नहीं है, तो हीरा उत्पादन केंद्र है और स्थिति है बकावंगा। हीरा उत्पादन केंद्र कहाँ है, जायरे में है ना, सही तो है। अच्छा, अगर पहला सही है तो पहला पहला तो होगा नहीं, ए और बी होगा नहीं, डी में भी एक है तो ये भी नहीं होगा, तो सही उत्तर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। बकावंगा के बारे में हमको पता है, जायरे में है ना, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बकावंगा जायरे में है। अब देख लेते हैं सी इसका सही उत्तर है कि जो सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही सुमेलित क्या है भाई, तो बकावंगा जायरे में है, कांगो गणराज्य, पहला सही है। कुलीनन तथा प्रीमियर खान जो है ये दक्षिण अफ्रीका में है, याद रखना, इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत है, दूसरा और तीसरा गलत था। कुलीनन और प्रीमियर खान कहाँ है भाई, दक्षिण अफ्रीका में। आगे देख लेते हैं, चौथा अगला प्रश्न है कि सोयाबीन उत्पादन के लिए वेन्यू घाटी है, वेन्यू घाटी अपने सोयाबीन उत्पादन के लिए जानी जाती है, तो यह जो है कहां पर स्थित है, नाइजीरिया में है, जायरे, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, तो आपको बता दें यह नाइजीरिया में है।
वेनु घाटी कहाँ है? नाइजीरिया में है, ठीक है, याद रखना इसको ऐसे कैसे। विश्व में सबसे ऊंचे तापमान वाले स्थानों में अल अजीरिया, अल अजीरिया कहाँ भाई? विश्व में सबसे ऊंचे तापमान वाले स्थलों में अजीरिया कहाँ है? अल अजीरिया कहाँ है? तो यह लीबिया में स्थित है, लीबिया में है, ठीक है, देख लेते हैं भाई। विश्व में सबसे ऊंचे तापमान वाले स्थल है, देखिए एक तो है डेथ वैली, याद रखना अमेरिका में है, दस्त ए लुत ईरान में है, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में है, केबिली है ट्यूनीशिया, वादी हाइफा सूडान है, वादी हाइफा याद रखना सबके नाम, और अल अजीजिया जो है आपका लीबिया में है, ठीक। क्या है? सबसे ऊंचे तापमान वाले स्थल है ये। आगे देख लेते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल हैं? सूडान है? नहीं है। इथियोपिया है? देखिए तो इथियोपिया अगर है और सूडान नहीं है तो जहां पर चौथा होगा वो खत्म हो जाएगा, सी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा क्योंकि सूडान ही नहीं उसमें। इथियोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती, ये चार देश हैं, कहां पे हैं? ऐसे है ना कुछ बनावट, ऐसे करके कुछ है बना ना, तो ये वाला पाओ हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। तो इसमें इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक दो तीन सही है, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती समृद्ध, यह अफ्रीका का पशुपालक क्षेत्र है, याद रखना। तो लेकिन एक कुछ रिपोर्टों में इन देशों के साथ केनिया को भी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किया जाता है, ठीक है। चलिए ये क्या है? अफ्रीका में जंजीबार तथा पेम्बा क्षेत्र है, जंजीबार तथा पेम्बा क्षेत्र है जो लौंग और इलायची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कहाँ पे है? जंजीबार और पेम्बा क्षेत्र कहाँ पर है? तो जंजीबार और पेम्बा क्षेत्र आपके तंजानिया में पड़ते हैं, ठीक है, याद रखना। तंजानिया में है पेम्बा और जंजीबार, लौंग इलायची उत्पादन करने वाले अफ्रीकी देश जंजीबार और पेम्बा तंजानिया में। विश्व में लौंग उत्पादन का 90% इन्हीं द्वीपों से होता है, लौंग का उत्पादन, लौंग उत्पादन 90% भाग कहाँ होता है? पेम्बा और जंजीबार वाले क्षेत्र में, ठीक है। चलिए क्या कारण है कि अफ्रीका में सोना, हीरा, टिन, यूरेनियम, तांबा के विशाल भंडार हैं लेकिन फिर भी इनकी गिनती जो होती है गरीब देशों में होती है? तो पहला स्टेटमेंट है कि तकनीकी के अभाव में इनका दोहन नहीं हो रहा, सही। लोहे कोयले का उत्पादन कम होना, यहाँ के लोग प्रकृति प्रेमी हैं, प्रकृति प्रेमी हैं क्या? पहला तो सही है, पहला अगर सही है तो इसका तीनों सही होना चाहिए तुम, नहीं सही, तीनों नहीं है, प्रकृति प्रेमी की बात नहीं यहाँ पे, लेकिन तकनीकी का अभाव है और लोहे कोयले का उत्पादन भी यहाँ कम होता है, ठीक है। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट इसका सही है। देख लेते हैं क्या है कि अफ्रीका महाद्वीप में विभिन्न खनिजों का भंडार होने के बावजूद यहाँ तकनीकी अभाव के कारण इनका दोहन नहीं हो पा रहा, पहला स्टेटमेंट सही है। यहाँ लौह कोयले का उत्पादन कम है इसलिए लौह इस्पात उद्योग भी विकसित अवस्था में नहीं है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है, लोगों का प्रेमी, प्रकृति प्रेमी होना अफ्रीका की गरीबी का कारण नहीं है भाई, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है। आगे है, इसमें सुमेलित बताना हमें, तो देखिए बुशमैन कहां पर पाए जाते हैं? कालाहारी में, बुशमैन कालाहारी, ए का तीसरा है बुशमैन कालाहारी। अच्छा, ए का तीसरा अगर मिल रहा है तो हम देख लेते हैं, अभी दो में तीन है, ठीक है, बी और सी दोनों में तीन तीन है। अब पिग्मी कहाँ पाए जाते हैं? कांगो बेसिन में, सी का दूसरा, तो इसका सही उत्तर बी होगा, है ना, बी इसका सही उत्तर होगा, हाँ। अब देख लेते हैं क्या है, समय ज़्यादा नहीं लगाएंगे, बस जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस को देख लेंगे हम। बुशमैन कालाहारी, बद्दू सहारा, पिग्मी कांगो बेसिन, मसाई पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखना इसको। चलिए आगे देखते हैं,
कथनों पर विचार करके सही उत्तर बताना हमें। कालाहारी तथा सहारा मरुस्थल में आबादी नहीं पाई जाती है। दक्षिण सूडान 9 जुलाई 2011 को नए राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। बंटू जनजाति जायरे में निवास करती है, तो सही उत्तर बताना है। तो आबादी तो कालाहारी सहारा में नहीं है, ठीक है। तो इसका तीनों सही उत्तर है, तीनों स्टेटमेंट इसका सही है। देख लेते हैं, कालाहारी सहारा मरुस्थल जनशून्य है। विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल क्षेत्र कौन सा है, ये प्रश्न है आपका, और क्लास में हमने पढ़ाया भी है, तो आप उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, दक्षिण सूडान 9 जुलाई 2011 को नए राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में है। यह यूएनओ का 193वां सदस्य भी है, याद रखना। दक्षिण सूडान, जायरे पर पहले बेल्जियम का शासन था। यहाँ के लोग बंटू जनजाति के हैं, इनकी भाषा है बंटू। बंटू जनजाति जायरे में पाई जाती है, इनकी भाषा भी बंटू है, और जायरे पहले बेल्जियम का शासन था। जायरे को वन्य प्राणियों की विविधता के कारण इसे विशाल चिड़ियाघर भी कहा जाता है। तो विशाल चिड़ियाघर किसको कहा जाता है, तो याद रखना जायरे को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए वेनु घाटी इसमें सुमेलित नहीं बताना है, तो वेनु घाटी अभी मैंने ऊपर ही देखा था, तो पहला ये दूसरा वाला तो गलत है। अच्छा, अगर दूसरा गलत है तो हम देख लेते हैं कि बी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा इसका। बकोंगा सोयाबीन है ना, सही तो है, पहला सही है, लेकिन तो इसका सही उत्तर बी होगा। हाँ, देख लेते हैं क्या है। बकोंगा जायरे में, अच्छा नहीं, पहला भी गलत है, अच्छा पहला दूसरा दोनों ही गलत है। हाँ, वेनु घाटी और बकोंगा दोनों गलत है। वेनु घाटी में सोयाबीन पाया जाता है, बकोंगा हीरा उत्पादन है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर बी होगा, क्योंकि पूछा गया गलत कौन सा है, सुमेलित नहीं है जो। इसमें बकोंगा जायरे में ही है, हीरा उत्पादन केंद्र है। वेनु घाटी नाइजीरिया में है, सोयाबीन उत्पादन केंद्र है, हमने ऊपर देखा था। ट्रांसवाल दक्षिण अफ्रीका की विट वाटर्स लैंड की पहाड़ी पर स्थित सोना उत्पादक क्षेत्र, विट वाटर्स लैंड पहाड़ी पर स्थित है, सोना उत्पादक क्षेत्र है, क्या नाम है, ट्रांसवाल। आज 20 प्रश्न देखेंगे, इससे ज्यादा नहीं देखेंगे, ठीक है। चल अगला है, सही उत्तर बताना है इसमें। तो नाइजीरिया को तेल ताड़ का देश कहा जाता है, पाम ऑयल का देश कहा जाता है क्या नाइजीरिया। और दूसरा है हाउसा फुलानी एरुवा नाइजीरिया के प्रमुख जनजाति है, दूसरा तो सही है, तो इसका दोनों ही सही है, ठीक है। नाइजीरिया ताड़ तेल के उत्पादन का, इसको तेल ताड़ का देश कहा जाता है, नाइजीरिया को याद रखना, नाइजीरिया को तेल ताड़ का देश कहते हैं। एरुवा फुलानी हाउसा जो जनजातियां हैं उनका संबंध नाइजीरिया से है, ये भी बात सही है, ठीक है। चलिए, फिल्लाह शब्द क्या है, फिल्लाह शब्द का प्रयोग निम्नलिखित किसके संदर्भ में किया जाता है, फिल्लाह याद रखना, फिल्लाह शब्द जो है वो किसान से संबंधित है। मिस्र में 3/4 जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है, मिस्र में 3/4 जनसंख्या जो है वो कृषि कार्य में संलग्न है, तो यहाँ के किसानों को फिल्लाह कहा जाता है, और कपास जो है मिस्र की प्रमुख नकदी फसल है, यह भी याद रखना हमें। आगे देखते हैं, काहिरा तथा सिकंदरिया मिस्र के पेट्रोलियम उत्पादक केंद्र हैं। स्वेज नहर का निर्माण सिनाई प्रायद्वीप को काटकर किया गया था, यह बात सही है, दूसरा तो सही है। स्वेज नहर हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है, तीसरा गलत है, स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ रही है। है ना, स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। तो तीसरा गलत है, दूसरा सही है। अब देखते हैं, देखिए सी और डी तो है नहीं, दूसरा सही है इसका, और पहला भी सही है, नहीं चाहिए, पहला भी गलत है। काहिरा सिकंदरिया मिस्र के पेट्रोलियम उत्पादन केंद्र हैं, तो चलिए अच्छा दूसरा सही है इसका, देख लेते हैं क्या है स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मिस्र और सिकंदरिया और काहिरा जो है सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है, सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है मिस्र में काहिरा और सिकंदरिया। सिकंदरिया जो है नील नदी डेल्टा में स्थित बंदरगाह है।
सिकंदरिया नील नदी डेल्टा में स्थित एक बंदरगाह है। स्वेज नहर का निर्माण सिनाई प्रदेश को काटकर बनाया गया। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। अफ्रीका के संदर्भ में बताना कौन सा कथन सही नहीं है। खारे पानी की झीलों को शॉर्ट कहा जाता, बस सही है। कालाहारी मरुस्थल जो है अफ्रीका के उत्तर पूर्व में है। उत्तर पूर्व में है क्या कालाहारी? इसके अलावा ताना न्यासा रुकवा झीलें भ्रंश घाटी में है। पूर्वी अफ्रीका में प्रवाल भित्तियों की अधिकता है, तो इसका सही उत्तर बी होना चाहिए वैसे, है ना? देख लेते हैं, बी इसका सही उत्तर। हाँ, कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका के उत्तर पूर्व में स्थित है। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो देख लेते क्या है। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी भाग में है, ठीक है। यह अफ्रीका के कहाँ है? बोत्सवाना, याद रखना। कालाहारी बोत्सवाना नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है। बोत्सवाना नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है कालाहारी मरुस्थल, जो कि दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है, याद रखना। इसके दक्षिण में, याद रखना, कालाहारी के दक्षिण में ऑरेंज नदी और उत्तर में जाम्बेजी है। उत्तर में जाम्बेजी, दक्षिण में ऑरेंज नदी है। स्वेज नहर के उत्तरी किनारे पर कौन सा बंदरगाह है, पत्तन है? कौन सा पत्तन है भाई? पोर्ट स्वेज, स्वेज ही होगा। देख लेते हैं, सोचने में ज्यादा टाइम नहीं लगाना, ठीक है, क्योंकि हम लगाएंगे उतना ही आपको लगाना पड़ेगा। तो पोर्ट सईद है। स्वेज नहर के उत्तरी किनारे पर पोर्ट सईद बंदरगाह है। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि स्वेज नहर के दक्षिण में, देखो दक्षिण में पोर्ट स्वेज है, उत्तर में पोर्ट सईद है। पोर्ट हाई कोर्ट जो है नाइजर नदी पर है। पोर्ट हाई कोर्ट, याद रखना, पोर्ट हाई कोर्ट नाइजर नदी पर स्थित है, लेकिन पोर्ट सईद उत्तर में है, दक्षिण में है पोर्ट स्वेज, ठीक है। साथ में पोर्ट एलिजाबेथ भी है, ये दक्षिण अफ्रीका का प्रमुख पत्तन है। पोर्ट एलिजाबेथ, स्वेज नहर का निर्माण 1869 में सिनाई प्रायद्वीप को काटकर किया गया था। अगला प्रश्न भैया, कौन सा नगर दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है? उत्तर इसका दिख रहा है तो सीधा सीधा प्रिटोरिया को टिक मार देंगे। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन है? तो याद रखना, प्रिटोरिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है, जिसे स्वाने नाम से भी जानते हैं, तस्वाने, याद रखना। दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी कौन सी है? ब्लॉमफॉन्टेन। वैधानिक राजधानी कौन सी है? याद रखना, केपटाउन। केपटाउन दक्षिण अफ्रीका का प्रमुख पत्तन भी है। तो तीन राजधानियां भैया, एक है प्रशासनिक प्रिटोरिया, दूसरी है वैधानिक केपटाउन, तीसरी है न्यायिक ब्लॉमफॉन्टेन, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के संबंध में बताना है कि डायमंड सिटी किम्बरले को बोलते हैं क्या? वेल्ड घास प्रदेश को मक्का त्रिभुज कहते हैं। सोंगा, स्वाना और कोसा यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। तो देख लेते हैं कौन सा सही है इसका। सही होगा वैसे तीनों सही हैं। किम्बरले को डायमंड सिटी कहते हैं, वेल्ड घास प्रदेश को मक्का त्रिभुज कहते हैं, मक्का त्रिभुज बोलते हैं वेल्ड घास के प्रदेश को। तो सोंगा, स्वाना और कोसा यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। तो याद रखना भाई इन तीनों के बारे में क्या है। किम्बरले को डायमंड सिटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ हीरे की खाने हैं। वेल्ड घास प्रदेश में उपजाई जाने वाली प्रमुख फसल क्या है? मक्का, इसीलिए इसको मक्का त्रिभुज कहते हैं। अफ्रीका में 11 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा मिला हुआ, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अफ्रीका में। इसमें अंग्रेजी, अफ्रीकन, दक्षिणी दिबिली, याद रखना, उत्तरी सुथो, दक्षिणी सुथो, स्वांजी, सोंग, स्वाना, कोसा, जुलू भाषाएं यहाँ पे शामिल है। उत्तरी अमेरिका के संबंध में देखना है, यहाँ सही बताना है। यह उत्तर में आर्कटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर, बात सही है, पहला तो सही है। दूसरा है कोलोन बंदरगाह कैरिबियन सागर के तट पर है। यह कोलोन बंदरगाह वाला हमें डाउट में लग रहा है, ठीक है। तीसरा है कनाडा और अमेरिका 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश के द्वारा अलग होते हैं, ये भी सही है। अच्छा, पहला और तीसरा सही है, एक लेकिन इसका तीनों सही होना चाहिए, है ना, तीनों सही है। हाँ, क्या है? उत्तरी अमेरिका उत्तर में आर्कटिक सागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है।
कोलोन बंदरगाह कैरिबियन सागर मतलब अटलांटिक महासागर का ही एक भाग है। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कनाडा और अमेरिका की सीमा बनाती ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस नदी भी इन्हीं देशों के मध्य सीमा का निर्माण करती है। तो ग्रेट लेक्स जो है इसके बारे में अगर हम प्रश्न पूछें कि पूरब से पश्चिम इनका क्रम क्या है तो आप हमें बताएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम बता देते हैं, वैसे इस तरीके से हम एक वो बना लेते हैं, मी एस एच ओ सुपीरियर मिशिगन ह्यूरन ईरी ओंटारियो, ये क्रम है इसका, याद रखना पांचों झीलों का, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है, विचार करके बताना है। कनाडियन शील्ड में पाई जाने वाली उपरोक्त ग्रेट लेक्स का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम क्या है? पश्चिम से पूर्व, हमने अभी पूर्व से पश्चिम बता दिया था, तो भैया सबसे पहले आया था ये ऐसे अंत बताया था ना, ऐसे तो सबसे पहले ओंटारियो आएगा 3 नंबर, फिर आएगा ईरी 4 नंबर, फिर आएगा ह्यूरोन 5 नंबर, तो 3 4 5 3 4 5 2 1 नहीं है क्या? पश्चिम से पूर्व का सही क्रम बताना है इसमें, पश्चिम से पूर्व का क्रम तो यही होना चाहिए था, 1 2 5 4 3 1 2 5 4 3 पश्चिम से पूर्व का कैसे होगा, देख लेते क्या है भाई सही से। कनाडियन शील्ड के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व जाने पर मीठे पानी की 5 झीलें हैं, सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरोन ईरी ओंटारियो है। यह इसे सम्मिलित रूप से ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। इसके संदर्भ में क्या है अगला प्रश्न है, और मेरे ख्याल से लास्ट भी रहेगा क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो आप लोग देखते भी नहीं है ना। चलिए, नियाग्रा जलप्रपात सुपीरियर और मिशिगन के मध्य स्थित है, सू नहर सुपीरियर और ह्यूरोन को जोड़ती है, बस सही है। सुपीरियर झील ग्रेट लेक्स में सबसे बड़ी झील है, तो ये सही है क्या? देखते हैं इसका सही उत्तर, सही नहीं है बताना है इसमें, ठीक है। तो इसमें देखिए सही पहला वाला गलत है, बस नियाग्रा जलप्रपात सुपीरियर तथा मिशिगन के मध्य में नहीं है, ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? नियाग्रा जलप्रपात भाई ईरी और ओंटारियो के मध्य में है, नियाग्रा जलप्रपात ईरी ओंटारियो के मध्य है। सू नहर जो है सुपीरियर ह्यूरन को जोड़ती है, सुपीरियर झील ग्रेट लेक्स में सबसे बड़ी भी है, ये भी याद रखना सुपीरियर सबसे बड़ी है। यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है, तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर है। अब इसमें पूछा गया सही कौन सा है? नहीं है तो ग्रेट बेसिन पठार ऑस्ट्रेलिया में है, बात सही है क्या? ग्रेट कैनियन का निर्माण कोलोराडो नदी करती है, ग्रैंड कुली बांध कोलंबिया पर है, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले, तो मेरे ख्याल से ए इसका गलत उत्तर है, ठीक है। ग्रेट बेसिन पठार ऑस्ट्रेलिया में नहीं, कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में स्थित पश्चिमी कार्डिलेरा की प्रमुख पर्वत श्रेणी है रॉकी, इसके अतिरिक्त अलास्का सियेरा नेवादा सियेरा माद्रे भी है। अलास्का कोलंबिया ग्रेट बेसिन मेक्सिको का पठार इन पर्वत श्रेणियों से घिरे पठार है, तो उत्तरी अमेरिका में पड़ता है ग्रेट बेसिन पठार। इनमें सबसे बड़ा पठार है ग्रेट बेसिन, इसकी नदियां समुद्र में नहीं मिलती हैं, वहां यहां अंतः प्रवाह बेसिन क्षेत्र का निर्माण होता है ग्रेट बेसिन वाले क्षेत्र में, याद रखना। बाउल्डर तथा डेबर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो याद रखना अभी प्रश्न दिख गया था उत्तर इसका, कोलोराडो नदी पर। बाउल्डर और डेबर बांध का निर्माण कोलोराडो नदी पर हुआ है, ठीक है। क्या है बाउल्डर जिसको हूवर बोलते हैं, याद रखना हूवर को ही बाउल्डर कहते हैं, और डेबर बांध का निर्माण कोलोराडो नदी पर है। बाउल्डर क्या है? एक कंक्रीट
गुरुत्वाकर्षण चाप बांध है जो अमेरिकी राज्यों एरिजोना और नेवादा के बीच में सीमा बनाता है। कौन? बाउल्डर या हूवर बांध। यह अमेरिकी राज्य है एरिजोना और नेवादा के बीच में सीमा बनाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, 55 तक कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के संबंध में बताना है। मृत घाटी उत्तर पूर्व में है, डेथ वैली उत्तर पूर्व में है क्या? दूसरा है, लेब्राडोर जलधारा न्यूफाउंडलैंड के समीप गल्फ स्ट्रीम से मिलती है। लेब्राडोर मिलती तो है, ठीक है, तो दोनों का सही दूसरा है, पहला तो गलत है। क्या है? उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म स्थल है मृत घाटी, डेथ वैली, जो कि दक्षिण पश्चिम में है। याद रखना, उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में स्थित है डेथ वैली, जो कि सबसे गर्म स्थल माना जाता है। लेब्राडोर जलधारा जो है वो न्यूफाउंडलैंड के पास में गर्म गल्फ स्ट्रीम से मिलती है। इससे इस क्षेत्र में प्लवकों के उत्पन्न होने की अनुकूल परिस्थितियां बनती है, इसीलिए न्यूफाउंडलैंड के समीप ग्रैंड बैंक नोवास्कोशिया के पास जॉर्जेज बैंक नामक बड़े मत्स्य ग्रहण क्षेत्र मिलते हैं। ग्रैंड बैंक न्यूफाउंडलैंड के पास में है, जॉर्जेज बैंक नोवास्कोशिया के पास में स्थित है। तो याद रखना भाई, ये दोनों मत्स्य ग्रहण क्षेत्र हैं। आगे देखते हैं, ऐसा क्यों है कि अलास्का का दक्षिणी क्षेत्र हिममुक्त रहता है? अलास्का का दक्षिणी क्षेत्र हिममुक्त रहता है जबकि लगभग नहीं अक्षांशों पर स्थित सेंट लॉरेंस नदी का मुहाना ठंड में जम जाता है। अलास्का के दक्षिण क्षेत्र के हिममुक्त रहने के संदर्भ में कौन सा कारण सही है? तो उत्तरी प्रशांत गर्म जलधारा प्रवाह, उच्चावच में भिन्नता, ज्वालामुखी उद्गारों में निरंतरता या अंतरा पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ए, उत्तरी प्रशांत गर्म जलधारा का प्रवाह होता है कि अलास्का का दक्षिणी क्षेत्र हिम मुक्त रहता है जबकि लगभग इन्हीं अक्षांशों पर सेंट लॉरेंस नदी का जो मुहाना है वो क्या करता है? जमा रहता है। ठीक है, व्याख्या भी देख लेते हैं। अलास्का का दक्षिण क्षेत्र उत्तरी प्रशांत गर्म जलधारा के प्रवाह के कारण हिममुक्त रहता है जबकि इन्हीं अक्षांशों पर स्थित सेंट लॉरेंस नदी के मुहाने पर ठंड में बर्फ जम जाती है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, 30 क्वेश्चन आज भी देखेंगे। उत्तरी अमेरिका की नदियों में निम्नलिखित में किस नदी द्रोणी को कपास की पेटी कहा जाता है? भाई तो नाम याद रखना, कोलंबिया। कोलंबिया ने मिसिसिपी है। उत्तरी अमेरिकी नदियों में निम्नलिखित किस नदी द्रोणी क्षेत्र को कपास की पेटी कहते हैं? मिसिसिपी है। मिसिसिपी नदी द्रोणी का दक्षिणी भाग जो है वो कपास उत्पादन के लिए अनुकूल है, इसलिए इसे कपास की पेटी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, इसमें प्रेरी प्रेरी गेहूं का है। सबसे पहले मार दो इसको। चीनी का कटोरा किसको कहते हैं? क्यूबा को कहा जाता है। तो चीनी का कटोरा अगर क्यूबा है तो गन्ना वहीं पे होगा, तो क्यूबा का गन्ना से हम जोड़ देंगे। तो सी का चौथा, बी का पहला और सी का चौथा, बी का पहला और सी का चौथा। देख लेते हैं इसमें, बी का पहला और सी का चौथा। तो सही उत्तर क्या? बी है ना इसका उत्तर। बात खत्म। ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स क्या है? अरे भाई ये क्या हो रहा है बार बार। ग्रेट लेक्स जो है वो पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के लिए, प्रेरी गेहूं उत्पादन के लिए, क्यूबा प्रमुख गन्ना उत्पादक राष्ट्र होने का इसे चीनी कटोर कहते हैं, कहवा जो है मैक्सिको में। याद रखना, आगे चलते हैं। ये बर्फ का घर बनाते हैं किसी जनजाति से संबंधित ही प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है किस जनजाति से संबंधित कथन है। तो पहली बात तो है कि बर्फ का घर बनाते हैं इनको इग्लू बोलते हैं। रेंडियर कुत्ते का प्रयोग करते हैं स्लेज गाड़ी खींचने के लिए, स्लेज गाड़ी खींचने के लिए रेंडियर कुत्तों का प्रयोग करते हैं। इग्लू जैसा घर बनाते हैं बर्फ का। इनकी नाव जो होती है वो कयाक कहलाती है, शिकार उपार करने के लिए होती है भाई। इनके हथियार को हारपून कहा जाता है। तो ये किस जनजाति से संबंधित? रेड इंडियन तो नहीं है, बंतु फुलानी भी नहीं है, ये है एस्किमो। ठीक है, याद रखना। चलिए, सोमर्स द्वीप के बारे में बताना है कि कहा जाता है किसको सोमर्स द्वीप कहा जाता है? ये भाई बरमूडा को, बरमूडा द्वीप को सोमर्स द्वीप। याद रखना भैया, सोमर्स द्वीप क्या है? तो सोमर्स द्वीप भैया बरमूडा को बोला जाता है। ठीक है,
ये भी चीज़ हमें याद रखनी है। बरमूडा द्वीप देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। बरमूडा द्वीप सारगैसो सागर के पश्चिमी किनारे पर स्थित यूके के अधिकार क्षेत्र में आने वाला द्वीप है। बरमूडा जो है सारगैसो सागर के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, यूके के अधिकार क्षेत्र में आता है। सोमर्स द्वीप भी इसको बोलते हैं। लेकिन सेंट पियर द्वीप और मिकलॉन, सेंट पियर और मिकलॉन पर फ्रांस का अधिकार, याद रखना अधिग्रहण क्षेत्र पर प्रश्न पूछा जाता है। तो भैया सेंट पियर और मिकलॉन द्वीप पर फ्रांस का अधिकार, न्यूफाउंडलैंड तथा लैब्राडोर के मध्य में स्थित है। न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर के मध्य में सेंट पियर और मिकलॉन द्वीप जिस पर फ्रांस का अधिकार है। लास्ट क्वेश्चन है, ओल्ड फेथफुल गीजर, ओल्ड फेथफुल गीजर, एक्सेलसियर गीजर, एक्सेलसियर गीजर, ओल्ड फेथफुल गीजर कहाँ स्थित है? तो आपको बता दें, उत्तर भी दिखा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके बारे में थोड़ा सा, इसमें कुछ है नहीं विशेष। ओल्ड फेथफुल और एक्सेलसियर गीजर संयुक्त राज्य अमेरिका में गर्म जल के स्रोत हैं, याद रखना एक्सेलसियर और ओल्ड फेथफुल, ये दोनों गर्म जल के स्रोत हैं। ओल्ड फेथफुल गीजर के बारे में देखें तो यह एलॉय स्टोन नेशनल पार्क में स्थित भी, ठीक है। तो आज हम 30 प्रश्न आज भी हमने देख लिए। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे, ठीक है। और जो प्रश्न पूछे हैं उसको उसका जवाब बता दे देना भाई, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।